नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में सर्दी की वजह से दर्जनों गायों की हुई मौत और उसके बाद खबर सामने आने के बाद उनके निस्तारण में हुई लापरवाही का मुद्दा अब गर्मा गया है। इस मामले को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जोर शोर से उठाया है और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा को भी घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर गायों के दर्जनों शवों का वीडियो पोस्ट करते हुए वीडी शर्मा पर निशाना साधा है और लिखा है कि उनके चुनावी क्षेत्र वाले जिले में इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले छतरपुर के पन्ना नाके पर बने कचरा प्रसंस्करण केंद्र के समीप कई गायों के शवों को कुत्ते खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। छतरपुर नगरपालिका ने जिस ठेकेदार को लावारिस पशुओं के शवों को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दी थी, उसकी गलती पाते हुए नगरपालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने उसका ठेका निरस्त कर इस कार्य में लगाए गए 2 कर्मचारियों की वेतन रोकने की कार्रवाई भी की थी। उल्लेखनीय है कि छतरपुर कलेक्टर ही इन दिनों छतरपुर नगरपालिका के प्रशासक भी हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद एक तरफ प्रशासन ने जहां इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने अब इस मुद्दे की बुनियाद पर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सोमवार को भारत स्वाभिमान मंच और पतंजलि परिवार का सदस्य बताते हुए कुछ युवाओं ने छत्रसाल चौक पर 5 युवाओं का मुंडन कराते हुए गायों की आत्म शांति के लिए प्रदर्शन किया। उन्हीं में से एक मंगल पटेल ने कहा कि छतरपुर जिले में सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, कई गौशालाएं संचालित हो रही हैं, फिर भी इनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जा रहे। मुंडन कराने वाले उमेश अहिरवार ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि गाय कैसे मरी, लेकिन गायों की मौत दुखद है, इसलिए उन्होंने मुंडन कराया है। जो हाईवे अपने छत साल नगर में कम से कम 100-150 गायों की हत्या हुई है। गली गली गायों की हत्या होने की कोई व्यवस्था नहीं है और उनको गायों को मरी गायों को उठवा करके गड्ढों में ऐसी फेंकवा दिए गए हाईवे में। किसने फेंकवा? हमने ये प्रदर्शन किया है कि गौ हत्या हो गई थी, उसकी खुशी आत्मा की शांति के लिए मुंडन करवाया है। 100-150 गायों की मृत्यु हो चुकी थी। जहाँ भी मुझे ऐसी आवश्यकता पड़े दिखाई दी मैं बोलूँगा। और गाय की 100 से 150 गाय जो है वो बुरी क्षतिग्रस्त है, ख़त्म हो चुकी है और वो डली है, उनको JCB से एक्साइड किया जाता है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है।